तीनों के सपने जब लेंगे उतारियां। वैसे तुम दोनों ने अचानक आज बाहर डिनर का प्रोग्राम कैसे बना लिया? रोज घर पे खाना खाते, बोर भी तो हो गए थे, तो मैंने सोचा आज यहीं पे खा लेते। और इसी बहाने आपको और बीजी को किचन से ब्रेक भी मिल गया ना। ये तो है। मम्मी जरा चटनी देना। अमरीक फतेह कहाँ रह गया? तो वो आते ही होंगे, रास्ते में है, मेरी बात हुई थी। मम्मी वॉशरूम ना आती है। हाँ जी आगे। हाँ। ध्यान से बेटा, ध्यान से। सॉरी सॉरी। फते? तू यहाँ क्या कर रही? चुप्पी जी। फते? मैं तो ना गुणगान करते नहीं थकती थी। मेरा मुंडा इतना शरीफ है, इतना बीबा है, ये लड़कियों से मिलना जुलना तो क्या उनके पास भी नहीं जाएगा। पर ये तो बीजी, मम्मी की क्यों? चलो बाय। हाय बेबी। ओए, तुझे तो सब पता होना है ना फतेह के बारे में, बताया क्यों नहीं मुझे? मम्मी पता तो था, पर मैं फतेह वीर को कैसे? फतेह सच्चा प्यार करता है इस लड़की को। बीजी इससे क्या, वो तो किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। कितनी सहेलियां इसकी देखा नहीं अभी, एक आती है दूसरी जाती है। ओ मम्मी, बीजी आपको क्या लगता है वो फतेहवीर आपके लिए बहू ढूंढ रहे हैं और ये तो बस टाइम पास चल रहा है? मम्मा दिस इज सो शॉकिंग, फतेहवीर जी क्या कर रहे हैं? इनमें से तो कोई बहू ना आए नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाना है। मैं तो ना अपने फतेह के लिए बड़ी ही सुशील और संस्कारी बहू लेके आऊंगी। तो ढूंढ लो ना मम्मी, अगर फतेहवीर बाद में और ज्यादा बिगड़ गए तो? चुप कर, तो जवानी का खून है, उबाले मार रहा है, मारने दे। ये बिल्कुल तेरे बाऊजी पे गया है। जनरल साहब भी अपनी जवानी में ऐसे ही थे। अरे ऐश करने दे, इस उम्र में कुड़ियों का नहीं छेड़ेगा तो बुढ़ियों को छेड़ेगा। कमला जा। चलो फिर ठीक है, करने दो एंजॉय इसको। चलो पापा चलते हैं। प्लान फेल हो गया। अब क्या करेंगे? अब प्लान बी। बोलो, तू ना वीर के पीछे ऐसे हाथ रखियो, और वीरे आप ना एकदम टल्ली लगने चाहिए, मतलब इतने टल्ली लगने चाहिए कि पापा भी पागल हो जाए। मैं नहीं जा रहा तेरे पापा के सामने। अगर उन्होंने पूछ लिया ना इसने कौन सी पिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तू पागल है क्या? पापा इस टाइम ब्रांड का नाम थोड़ी पूछेंगे। तो यार छेती कर लो इससे पहले सारे सो जाए। फतेह यार अंकल ने पक्का पूछ लेना ब्रांड। कुछ नहीं होना, चल चल। जमालो हमें दुनिया की नजर से बचा लो। ओए। वलायती जा देसी। ओ जी मेरे घर वाले वलायत में, लेकिन मैं देसी हूँ जी। ओए बेवकूफा, इसने कौन सी पी है? वलायती जा देसी। ओ जी कोई रंग का नाम है जी, ब्राउन। बेलगाम घोड़ा तो बिगड़ेगा ही ना। नहीं जी नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा था, वो मेरा जो दोस्त है ना शैम्पी, उसकी मम्मी बोल रही थी। पता है मम्मी क्या बोल रही थी? कि अगर मैं तेरे मम्मी की जगह होती ना तो अब तक तो तेरे फतेहवीर का ब्याह करवा चुकी होती।
खूटे से बंधेगा तभी तो सुधरेगा ना। मैं तो सोचती थी मेरा मुंडा बड़ा ही बीबा है, ये शराब पीना तो दूर, सूंघेगा भी नहीं। पर जी भी नहीं, पर नहीं पीते। ओए चुप करो सारे। फतेह आज तूने बेइज्जती करवा दी मेरी। अमरीक एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने जिंदगी का पहला पैग मेरे साथ नहीं लगाया ना तो देख लेना। ठीक कहता है ये। अरे जिंदगी का पहला पैग हमेशा अपने बाप दादा के साथ बैठकर पीना चाहिए। माही पुत्र जा फतेहवीर को ले जा और दही खिला, इसका थोड़ा नशा। कोई जरूरत नहीं, उठ बेटा। कुछ नहीं हो तुझे, तू अंदर चल, मैं तेरे लिए ब्रांडी भिजवाता हूँ। अपने रूम में जा। अमरीका जी लेके चले। बड़ा अजीब फैमिली है यार, इसे समझ नहीं आता, समझना नहीं चाहते। जसू का ब्याह हो जाएगा किसी और दे नाल। मैं फ्रेश होके आता हूं। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या पते को तो नहीं बताएगा? नहीं नहीं, मैं दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ प्रैक्टिस चल रही है, जा यहाँ से। यार देखो मुझे आज कोई पंगा नहीं चाहिए, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है। To hell with your mood. यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी प्रॉब्लम हो। और तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? कब किया तुम्हारा पीछा? जिस रोड पर तुम चल रहे हो ना वो वन वे रोड होती है। तुम मुझे लाइक करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी तुम्हें लाइक करना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है यार, तुम तो सर पे चढ़ जा रही हो। मेरी बात कान खोल के सुन लो, मुझे तुम फूटी आंख भी पसंद नहीं हो। तुम्हें उस दिन समझाया था ना कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, कोई लाइक लुइक नहीं करता हूँ मैं तुम्हें। यार राइट, तुम मुझे लाइक लुइक नहीं करते लेकिन बाइक बुक पे पीछा जरूर करते हो। राइट, किसने किया तुम्हारा पीछा? मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा रही हूँ, अगर अगली बार तुमने ऐसी कोई हरकत की तो तुमसे बात करने मैं नहीं पुलिस आएगी। अब तुम सुनो और अपने ना ये कान खोल के सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा ये धमकी प्रदर्शन। उस दिन मेरे मुंह पे लस्सी गिराई थी ना तुमने, मैंने कुछ कहा? कोई पंगा लिया? नहीं लिया ना, क्योंकि फतेह सिंह विर्क औरतों की इज्जत करना जानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है औरत मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी और मैं बैठ के तालियां बजाऊंगा। तुम मुझे लाइक करते हो, मैं तुम्हें नहीं करती हूँ, बहुत हो गया ये। उस दिन भी तुम्हें समझाया था कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। झूठ मत बोलो, और अगर आशिकियां करने का इतना ही शौक है ना तो ढूंढ लो कोई अपनी जैसी। पर रब दे वास्ते मेरा पीछा करना बंद करो, मेरी रेपुटेशन खराब करनी बंद करो। तो तुम अपने आप को समझती क्या हो? नहीं कौन हो तुम? एमए रंज पा रखे तुमने? मैं तुम्हें जानता तक नहीं तो तुम्हें लाइक क्या करूंगा? और कौन सी रेपुटेशन खराब कर दी मैंने तुम्हारी? अच्छा जो तुम कर
तुमने जो किया है वो तुम भी जानते हो। ये आखिरी बार था, अगली बार अगर ऐसा कुछ भी किया ना तो तुम जैसे लफंडरों को ठीक करना मुझे आता है। जल्दी कर, अभी कर रहा हूँ दादी, एक मिनट। तेजो और जस की जोड़ी टीवी पर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ। सत श्री अकाल बीजी। प्रसाद गुरुद्वारे गई थी? तेजो के लिए अरदास करने गई थी ताकि तेजो का फैसला हम सब के लिए सही साबित हो। अच्छा आप लोग एक काम करो, बैठो, मैं कुछ ऑर्डर करके आती हूँ। हाय जी, अब तो कंफर्म ही हो गया कि जस जो तेजो के लिए बड़ा स्पेशल है। मतलब तेजो की हाँ है, है ना? पीजी हाँ, मतलब पक्की हाँ। मादा तेजो की तो बस हाँ ही समझ, अरे बस उसके मुंह से सुनना बाकी है। बढ़िया है पुत्र, गुण छेती का राजा। मेरी और जैस्मिन की। फतेहवीर, मम्मी रोटी ले बुला रही है। तुम दोनों एक मिनट लेट नहीं आ सकते थे, तारा भी टूटा ही था। फतेहवीर आपकी जिंदगी में कुछ साबुत है क्या? दिल टूटा हुआ, तारा टूटा हुआ, और अब जैस्मिन से शादी करने का सपना भी टूटा हुआ। और अगर तू चुप नहीं हुआ तो तेरा एक दांत टूटा हुआ। मुझे ना मम्मी ने भेजा था कि फतेह भाई को बुला ला डिनर के लिए, मैं तो तब आया था। गुस्सा करते रहते हो जब देखो। तो मुझे नहीं खाना। क्यों, भूख हड़ताल है क्या? जब तक जैस्मिन नहीं मिलेगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। चल आइडिया अच्छा है। आइडिया मिल गया तरीका यार। भूख हड़ताल। ओए फतेह, वही भूख हड़ताल नहीं होगी। तू तो ऐसे तप रहा जैसे वो जस्ट फ्रॉम कनाडा को पिंड के बाहर फेंक के आया। एग्जैक्टली, तेरे और भाभी के दिल की डोरियां सच्ची में बंधी हैं।
पिंड के बाहर ही फेंक के आ रहा उसको। बूझो क्या किया है तूने? जस, ओह माय गॉड, ये सब कैसे? तेजू, एक्चुअली जब मैं यहाँ आ रहा था ना, तो रास्ते में लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। यार देखो, मुझे आज कोई पंगा नहीं चाहिए, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। तेरा दिमाग खराब है? मारा क्यों उसे? मुझसे यार तेरी हालत नहीं देखी गई। बस फिर क्या, मैंने रॉकी, मिंटू और प्रिंस को बोल दिया। और वैसे भी तू बोलता था ना, भाभी के लिए तू किसी का भी कटप्पा चाड़ सकता है। अबे वो तो मैंने जोश जोश में बोला था। वो बोला तो था ना, लेकिन बोलने और करने में फर्क होता है। हमें कोई हक नहीं बनता किसी की जिंदगी के साथ इस तरह खेलने का। ये सारा काम उस लफंडर ने किया है ना? नहीं थे जोजी, वो नहीं था उस टाइम वहां पे, ये कोई और ही तीन रैंडम लड़के थे। उसी के बंदे होंगे, जानती हूँ मैं उसे। और अगर कुछ करना होता तो मैंने उसका कचूमर नहीं निकाल दिया होता कब का, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं किया ना। कि प्यार में ना एक हद होती है, एक लाइन होती है जिसे हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जो प्यार का मतलब खून खराबा नहीं होता है। ओ फतेह कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल। वो तू पागल है? और यार किसी को थोड़ा पता चलना है कि हमने ये कुछ किया है, और तूने तो कुछ किया भी नहीं है यार। और हुआ तो मेरी वजह से है ना, और मैं ब्रिगेडियर नछत्तर सिंह विर्क का पोता, एमएलए खुशबीर सिंह का बेटा, पंजाब बॉक्सिंग टीम का लीड रिप्रेजेंटेटिव फतेह सिंह विर्क। मैं इतना कायर नहीं हूँ कि इस कांड की जिम्मेदारी ना ले सकूं। मान जा यार, पुलिस होनी है वहां पे। तो क्या होगा, जेल हो जाएगी ना, तो हो जाए। और जैस्मिन, अगर उसको पता चल गया तो? वो शायद कभी मुझे माफ नहीं करेगी, लेकिन अगर आज मैंने जस से माफी नहीं मांगी ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सोच ले यार फतेहवीर, तेरा और जैस्मिन का आज किस्सा खत्म हो जाना है। अगर मेरी किस्मत में ये लिखा है तो यही सही। यासीम्स बेटा, डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? या जस्ट रिलैक्स एंड थैंक गॉड चोट गहरी नहीं लगी। आप फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, ही विल बी डिस्चार्ज वेरी सून। ओए फतेह, दो मिनट रुक। क्यों? मैं पता करके आता हूँ, कहीं पुलिस को तो नहीं बुलाई इसने। थैंक गॉड जस कि आप सही सलामत है। तेजू जी, अब प्लीज मेरी इतनी फिक्र ना किया करो। अब कैसे फिक्र ना करो जस, आप हमारे मेहमान हैं और पिंड में ऐसा कुछ। I'm so sorry. It's okay. विराज, जस को लेके कितनी परेशान है बेचारी। चल इसी से माफी मांग लेता हूं पहले। नहीं यार तेजो है उसके साथ, वो तो शुक्र है ज्यादा नहीं लगी। ये लड़की कौन है और जैस्मिन बाहर क्या कर रही है? रूम नंबर 12 के पेशेंट मिस्टर जस के साथ आप आई हैं ना? हाँ जी, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर। ये कुछ मेडिसिन्स हैं, इन्हें आधे घंटे बाद दे देना। जी। ये शदैन जैस्मिन की बहन है।
ओए अभिराज मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। जो ये दवाई। थैंक यू जस्सू। और जस्सू जस के लिए ग्लास जूस ले आ। दिल उत्ते चलदा जोर कोई ना, तेरे तो प्यारा सानू होर कोई ना। दिल उत्ते चलदा जोर कोई ना, दिल उत्ते चल। पता चल गया है फतेह को बहनों का सच, क्या भूंगी गलत फहमियां दूर, क्या जुड़ जाएंगी फतेह और जैस्मिन के दिलों की डोर। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv, फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv।